हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत प्यारा सा 3D पैटर्न बनाना सीखेंगे। दो कलर्स का पैटर्न है और बहुत प्यारा सा पैटर्न है। बीड वर्क की तरह दिखता है, मोती की तरह दिखता है। बैक साइड से देखिए इस तरह से दिखाई देगा। तो आप इसे रिवर्सिबल पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह में आप इससे बेबी कोट, जैकेट, इवन बॉर्डर्स बना सकते हैं, या फिर फ्रॉक का योक्स वगैरह बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने ऑड नंबर में फंदे लेने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने ये ऑड नंबर में फंदे लिए हैं जो हमारे प्राइमरी कलर है उससे। अब जो हमारा पैटर्न है बॉर्डर के बाद, उसकी फर्स्ट रो हमने सेकेंडरी कलर से बुननी है। जो हम दूसरा कलर यूज करेंगे उससे बुनेंगे पहली सिलाई। तो देखिए, इस पहले सिलाई के सारे फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। यह हम दूसरे कलर से बुनेंगे। बैकग्राउंड कलर जो है ये व्हाइट है, यहाँ पे रेड कलर जो है वो दूसरा कलर है। तो इससे हम ये रो पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे अपडेट्स जो है वो साथ के साथ मिलते रहेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो हमने सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली है। सेकेंड रो में हमने सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है। तो रो टू के सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स में प्लीज ये जरूर मेंशन करें, आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, यूजफुल लगते हैं। अगर नहीं तो प्लीज उसका रीजन भी जरूर मेंशन कीजिएगा। ये देखिए, तो ये दो रोज हमने बना ली है। थर्ड रो में हमने फिर से प्राइमरी कलर यूज करना है। देखिए, थर्ड रो को ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब अगला फंदा जो है, देखिए, इसे हम नीडल से उतार देंगे और इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद ये जो नीचे वाला फंदा है इसे भी निकाल देंगे, तो हमारा ये प्राइमरी कलर का फंदा आ जाएगा। इसे हमने इस तरह से सिलाई डालकर, और ये जो दो फंदे गिराए हैं इन्हें भी हम बीच में ही लेकर इस तरह से सीधा बुन देंगे। ये देखिए, फिर अगला फंदा ऐसे ही सीधा बुनेंगे। तो यही दो फंदे हमने रिपीट करने हैं। इस फंदे को गिराएंगे, एक फंदा निकालेंगे, दूसरी रो का फंदा निकालेंगे, और ये जो बैकग्राउंड कलर का फंदा आएगा इसको हमने बाकी के दो फंदों के साथ इस तरह से सीधे बुन देना है। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो हमने ये ध्यान रखना है, ये जो हम फंदे गिराएंगे तो ये जो हमारे धागे निकल रहे हैं फंदों के, इनको हमने बीच में इंक्लूड करना है। देखिए इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे हम इसी तरह से गिराकर, वन टू, ये दोनों रोज के फंदे गिराकर प्राइमरी कलर के फंदे को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। पूरी रो में हमने यही करना है। लास्ट में हमने ये जो दो फंदे गिराने के बाद सफेद फंदा इस तरह से बुन लेना है, और उसके बाद लास्ट जो फंदा रहेगा उसे हम सीधा बुन लेंगे। तो रो थर्ड जो है हमारी, यही मेन रो है हमारे पैटर्न की। रो फोर्थ में हमने सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन। तो ये हमने फोर्थ रो कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स, यही चार रोज जो है इनको हमने बार बार रिपीट करना है। अब हम फिर से अपने सेकेंडरी कलर से दो सिलाइयां जो है, एक सीधी और एक उल्टी बनाने के बाद फिर से, तो अब ये दो रोज जो है फिफ्थ और सिक्स, उसको हम रो वन और टू की तरह बुन लेंगे। ये देखिए, तो एक रो हम सीधी और एक रो इसी कलर से उल्टी बुन लेंगे पहले। ये देखिए, अब ये दो रोज बुनने के बाद जो सेवेंथ रो है उसको हमने रो थर्ड की तरह ही बुनना है, लेकिन इस बार हमने अल्टरनेटिवली इसको बुनना है। देखिए कैसे, पहला फंदा सीधा बुना, अब हमने इस फंदे को पहले गिराया था, अभी हम एक फंदा भी और सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को गिराएंगे जिसे हमने पहले बुना था, उसे इस बार गिराएंगे। ये देखिए, फिर अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ये जो हमारी नॉट्स हैं, ये वाली, ये अल्टरनेटिवली आएंगी, अभी ये इस फंदे के ऊपर आएंगी। फिर हम जो एट रो है इसे सारा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे रो फोर की तरह, और वन टू एट रोज को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे इस पैटर्न के लिए। थैंक यू।